What's up guys, myself Raman Srivastav, I'm back from my YouTube channel. So friends, आज हम जानेंगे कि जियो फोन के जो मैसेंजर ऐप आया है उसमें एक नया फीचर आया है इमोजी. वो इमोजी फीचर है क्या? चलिए अपने शूटिंग शुरू करते हैं, जानते हैं कि इमोजी फीचर है क्या. तो सबसे पहले मैं अपने जियो फोन की मैसेंजर ऐप को रीओपन कर लेता हूँ. रीओपन होगा, कुछ टाइम ले सकता है ओपन होने में. जैसे ही ओपन हो जाएगा यहाँ पे न्यू मैसेज पे हम क्लिक करेंगे. यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे मैं दे देता हूँ एम्बुलेंस का नंबर. ठीक है फ्रेंड्स, एम्बुलेंस का नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ पर. और ये राइट वाले बटन को जब हम प्रेस करेंगे इस पे चला जाएगा. जैसे ही बीच वाले बटन को दबा के इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा इमोजी. इतने सारे इमोजीज दिए हुए हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इमोजीज दिए हुए हैं. तो यही है जियो फोन में इमोजी का जो नया फीचर आया है. वैसे इमोजी का जो फीचर है ये बहुत ही बढ़िया है, जो कि 2.0 के लेटेस्ट वर्जन में नहीं था, ये 2.5 के लेटेस्ट वर्जन में आया है. इसमें और भी कई चीज़ें आई हैं, जैसे देखिए मैं इसे ओपन करता हूँ इस मैसेज को. ये पहले इस तरह नहीं ओपन होता था, इसका जो थीम था वो कुछ अलग था. अब यहाँ पे जब हम ऑप्शन के बटन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड, कॉपी, डिलीट मैसेज और ये जो लिंक है ये यहाँ पे आ जाती है. वहाँ से हम डायरेक्ट लिंक में नहीं जा सकते. बैक का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, क्लियर चैट का भी ऑप्शन यहाँ पे जो है मिल जाता था. यहाँ से हम बैक में चले जाएंगे. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले.